अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा बागबान शहरियाने गुलबर्गा से ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ देर पहले कुछ मीडिया चैनल्स के ज़रिए जो फेक न्यूज़ चलाई जा रही है मेरे ख़िलाफ़ कि ऐसा करे वैसा करे, ये लैंड के ऊपर जो ना आके कुछ हमारे इसमें आ रहे वो आ रहे बोल के जो बोल रहे, ये मेरा सैलरी डॉक्यूमेंट है साहब, आप जूम करके बता सकते हैं। ये 2007 में मेरा परचेजिंग हुआ सो है, ये सैलरी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, फिर ये उसके बाद में उसका आरओआर कॉपी, ये आरओआर कॉपी के बाद में जो है ना ये इसका जो है ना टो स्टिपन फॉर्म नंबर 10 फोड़ी आकार बंद, ये पूरे लैंड रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स, ये मेरे घर पे नहीं बने, ये पूरे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके बाद में जो है ना ये जिला अधिकारी डीसी साहब का एनए ऑर्डर कॉपी है जो 2019 में हुआ, 2019 में एनए लैंड कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद में ये कुछ ब्रोकर्स जानी और कुछ हैं वहाँ पे, वो ब्रोकर्स वो लोग जो है ना वहाँ पर इल्लीगल एक्टिविटीज़ शुरू कर दिया साहब, वहाँ पे जो ना एंक्रोचमेंट करना का चालू कर दिया, हमारी ज़मीन में आना चालू कर दिए, और जो ना कुछ प्लॉट जो ना मेरे डुप्लीकेट साइन मार के भी बेचे वहाँ पर कुछ प्लॉट, मेरा NOC बोल के मेरी साइन मार के दिए। मैं जो है ना इसके बाद में क्या करा साहब, पुलिस कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा मार्च 22 ये पिटीशन दिया ये लोगों के खिलाफ कि ये लोग जो ना इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वहाँ पे बोल के, वो प्रोसीजर में है। फिर एक कॉरपोरेशन कमिश्नर को जो है ना इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा वहाँ पे बोल के दिए। फिर उसके बाद साहब ये 2019 में सर्वे रिपोर्ट है, कुछ भी एनकरेजमेंट नहीं था 2019 तक, 2019 तक कुछ भी एनकरेजमेंट नहीं था। 2019 के बाद ये लोग घुसना शुरू कर दिए, हमारी ज़मीन में आके प्लॉटन डालना शुरू कर दिए, डिगिंग करना चालू कर दिए, और उसके बाद में जाना DDLR लैंड डेप्टी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के पास ये लोग अपील गए थे कि फॉर्म नंबर 10 गलत है बोल के, वहाँ पर ये लोग कोर्ट में केस हार चुके हैं ऑलरेडी। ये रिसेंटली कुछ दिन पहले जो ना जजमेंट आया है 2-3 महीने पहले, वहाँ पर जाना ये लोग वहाँ पर केस हार चुके हैं डेप्टी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड के पास। उसके बाद में जाना अब मस्जिद का काम जब शुरू करे थे नो, हम बोले अल्लाह का घर है बोल के छोड़ दिए, उस नाबीना मौल साहब आके रिक्वेस्ट करे कि भाई ये जो है ना अल्लाह का घर है, तुम इसमें क्या भी मत बोलो, मैं तो अंधा आदमी हूँ मैं लिया हूँ बोल के बोलने के बाद में हम छोड़ दिए मस्जिद के लिए। उसके बाद ये रूमर्स जो फैला रहे हैं वहाँ पर घर बंधे गए वो बंधे गए, कुछ नहीं सिर्फ एक दो रूम है वहाँ पर, एक दो रूम है उसको भी हम बोले कि तू गलत बना रहा मत बना बोल के नहीं सुन के जो ना वो ज़बरदस्ती वो लोग जो ना हरासमेंट करके मेरी ज़मीन में घुस के इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हाँ। और ये इसके अंदर जो ना ये ब्रोकर्स है ना इनका कॉल डिटेल्स अगर निकाले साहब, ये पूरी चाइना ही है। इसके अंदर मोहम्मद इब्राहिम बागवान जुनेदी बोलते हैं उसको उर्फ उन, उसके अंदर शामिल है, उसके अंदर रहमान शामिल है, उसके अंदर हारून उत्तर प्रदेश शामिल है, और उसके अंदर जो ना डॉन लोगों के भी नामा ले रहे हैं, और ऑन रिकॉर्ड कुछ लोग आकर जो है ना मारने मरने की बात कर रहे हैं। हम जो है ना लीगल पूरा कानूनी कार्रवाई हमारी है, और इंशाल्लाह जो है ना जो ये लोग जो है ना शहर के अंदर ये जो करे हैं हरकत, मेरा जो है ना इसके अंदर इमेज को डैमेज करने की जो कोशिश करें, इसका लीगली मैं जो बनता एक्शन लेता हूँ, और जो है ना मैं जो है ना DGP स्टेट DGP वहाँ तक भी मैं डॉक्यूमेंट्स मैं इंशाल्लाह कल जो है ना मेरी कंप्लेंट दायर करा दे। और मेरे वालिद साहब के मेरे भाई साहब के इंतकाल के बाद मैं अकेला होने के बाद ये लोग जानते इन अकेला है इन कारोबार में मसरूफ है बोल के ये लोग क्या कर दिया मालूम है, वहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू कर दिए ज़मीन पर, मेरे डुप्लीकेट साइन मार के जो है ना नो ऑब्जेक्शन बोल के देना शुरू कर दिए। अब हमारी ज़मीन पर हम जब काम कर रहे तो जो ना जब सर्वे कराए ये 2000 ये देखिए जून आठ को ये गवर्नमेंट सर्वेर आके करके गए, इनको नोटिसेस दे रहे तो नोटिस भी लेने को तैयार नहीं है लोग, इनके घर के एड्रेस पे रजिस्टर्ड पोस्ट करके नोटिस भेज के हम सर्वे कराए।
ये सर्वे कराने के बाद में, पॉइंट फिक्स होने के बाद में, ये पूरे ब्रोकर्स क्या है मालूम, मिसगाइड कर रहे। ये ब्रोकर्स ये क्रिएटेड डॉक्यूमेंट पूरा शहर जानता, हागर का आज़ादपुर पे जानी बोले तो क्या करता है, इन्हें डुप्लीकेट काम पूरे सबको मालूम है। सर उनका तो कहना ये है कि उन्हें ज़मीन लेने का, प्लॉट पूरे लेने के बाद आप बीच में आप कब्जा करेंगे, ऐसा बोलते हैं। नहीं, बीच में नहीं, हम कुछ भी नहीं, सब लीगल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, हम बीच में नहीं है। हम 2019 तक कुछ भी नहीं था वहाँ पे। 2019 में अचानक ये लोग केस डाले, क्या बोल के केस डाले, नहीं ये फॉर्म नंबर 10 गलत है बोले, वहाँ पे डिसमिस हो गए, उन्होंने हार गए वहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स में, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में केस हार चुके हैं उन्होंने। हारने के बाद में जाना, ये पब्लिक को गुमराह करके, पब्लिक को झूठ बोल के ये जो कर रहे हैं हरकत, इसकी एक ही वजह है सब, इन्हों जो कर रहे हैं ये पूरे फेक डॉक्यूमेंट्स, इनके रजिस्टर्ड कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बता सकते उन्होंने। गरीब 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 बोल के गरीब को आगे कर रहे, लेकिन ये पूरे ब्रोकर्स की चैन है, ये पूरे ब्रोकर्स मिलकर काम कर रहे हैं इसके अंदर, और इनके कॉल डिटेल्स अगर निकाले तो ये पूरी चैन मिल जाती सब पूरी। इनके कॉल डिटेल्स निकाले ना, ये इसमें कौन कौन शामिल है, ये पूरों के नाम आ जाते हैं उसके अंदर। तो ये भी सुनने में आया कि वहाँ पर क्या, अगर रूम बनाया गया तो वहाँ पर धमकी दिया गया आपके तरफ से। साहब धमकी वो, मैं अकेला सिंगल आदमी जा रहा हूँ वहाँ पर, उन्होंने 20-25 का मॉब आ रहा हमेशा, वो लोग अगर मेरे को धमकी दे रहे, तुमको जान से मारते, वो करते ये करते, तो माना नहीं इधर वो नहीं, नहीं बल्कि जो ना मेरे को धमकी दे रहे उल्टा वो लोग। कहना सर ये बात तो समझ में आ रही है कि आवाम को वहाँ की पलट जो लिए है उनको वहाँ पर बेवकूफ़ बना रहा है, ये बात सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं ये लोग, उनको सर्वे जिस दिन सर्वे हो रहा था सर्वेर को भी ये लोग मिसगाइड करने की कोशिश करे। इन्हों क्या बोल रहे, सर्वे नंबर 17 में आती ज़मीन बोल को बोल रहे, 16 बार जब 3 का जब चल रहा सर्वे, सर्वे नंबर 17 मापो, सर्वे नंबर 14 मापो बोलता वो जानी। इन्हों मिसगाइड करना इनका काम है साहब, इनका धंधा चाहिए है। सर एक बार भी आप बैठ के बात नहीं किया क्या? नहीं बात की है साहब, इनको बात करिए, इनको रिक्वेस्ट करिए, आप महबूबी की ज़मीन 6 एकड़ मापो, कहाँ शुरू हो रही कहाँ ख़त्म हो रही, उसके बाद में बात करो बोल के बोले हम उनको 10 टाइम समझाएं, उनको 10 टाइम समझाने के बाद में भी उन्होंने महबूबी की ज़मीन नापने के लिए तैयार नहीं है। सर क्यों वजह? वजह वो उनको पूछ सकते आप, मैं नहीं बता सकता ना वजह। 6 एकड़ ज़मीन उनकी है बोल रहे उन्होंने। अब देखिए ज़मीन है तो रिकॉर्ड्स रहते, ज़मीन है तो उसके डॉक्यूमेंट्स रहते, जैसा मेरा डॉक्यूमेंट्स है वैसा उनका भी डॉक्यूमेंट है। वो महबूबी की जो इन्होंने जिसके पास से प्लॉट लिए, वो महबूबी की ज़मीन नापा दो उनको, उनकी ज़मीन कितनी है, उन्होंने कहाँ तक लेआउट डाल के बेचे देख लियो आप लोग, आपको जो ना फिगर एंड फैक्ट्स पूरे सामने हैं, वो नहीं कर रहे नो इन्हों एक मॉब जमा करके एक धमकी डाल के जो ना उल्टा जो ना मेरे को जो ना इसमें जो ना जान की धमकी दे रहे, और जैसा उन्होंने बता रहे वैसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा लीगल है, पूरा ऑथेंटिक है, यन्ने ऑर्डर है मेरा, इसके बावजूद भी जो ना ये लोग इतनी हरकत कर रहे हैं वहाँ पे। सर अब क्या डिमांड रखते हैं वहाँ पे? डिमांड मैं जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करता हूँ, जो भी आज हरकत किए हैं लोग ट्रेस पास करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है ना मेरे इज्जत पे भी जो है ना इमेज पे भी धक्का दिए हैं, और वो इंशाल्लाह जो है ना मैं इसको लीगल वे में एक्शन लेऊंगा इनके ऊपर। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.